हाइडलबर्ग सीमेंट द्वारा दिए जा रहे 1 रुपए प्रति बोरी अन्नम योजना के अत्यंत गरीब वर्ग को खाद्य सामग्री वितरित किए जाने का किया अनोखा प्रयास। कोरोना काल के 4 माह के पश्चात आम जनमानस में फैलती जा रही दिनों दिन गरीबी को देखते हुए मायसन परिवार के द्वारा बेहद गरीब आदिवासी समाज के बीच अन्नम योजना के तहत खाद्य सामग्री बांटकर लोगों का दुख दूर करने का प्रयास किया, जिसमें 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो दाल, चीनी, चाय, रिफाइंड साबुन आदि का वितरण 200 से अधिक लोगों में किया गया। यह कार्यक्रम सरीला तहसील राजमहल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में एरिया इंचार्ज श्री विनय श्रीवास्तव, सेल्स प्रमोटर श्री रविन्द्र गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अक्षत बंसल, डीलर जीतू राजपूत, सह विक्रेता ऋषि शुक्ला, कामता राजपूत, राजेंद्र राजपूत एवं स्थानीय मीडिया की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। आम जनमानस में इस सामाजिक परोपकार के कार्य हेतु मायसन सीमेंट के प्रति आभार भाव देखा गया। सिल्वर सीमेंट की ओर से सौभाग्य मिला है कि हम उन लोगों की सहायता कर पा रहे हैं जो इस COVID-19 के चलते कुछ समय के लिए बहुत परेशान हो चुके थे। समाज के वो वर्ग जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो हमारी माइसेम कंपनी ने ये बीड़ा उठाया कि हम बुंदेलखंड के उन गरीब क्षेत्रों में जाके जहाँ जहाँ जिनको आवश्यकता है हम उनका कुछ दर्द कम कर सकें। तो हमने कुछ समय का राशन यहाँ पे करीब 200 लोगों को बांटा है, जिससे उनका कम से कम 10 दिन का काम चल सके और आगे भी हम लोग ऐसा करते रहेंगे। और पूरे बुंदेलखंड में ये योजना चलाई जा रही है। अभी इसके बाद हम लोग कुलपहाड़ में करेंगे, इसके पहले मऊरानीपुर, झांसी और सब जगह हो चुका है। हमीरपुर के और जगहों पे भी जाके ये करने की योजना है, जिससे कुछ हम उनका दर्द बांट सकें। मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा मायसन सीमेंट का, जिन्होंने कम से कम यहाँ के गरीब वर्ग के लिए कुछ सोचा और इस समय पे सहायता की है। और आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक कितने लाभार्थी? आज हमने यहाँ पे 200 लोगों को बांटा है और अभी कुलपहाड़ में भी 200 लोगों को बांटने की योजना है। उसके बाद फिर अगला जो होगा वो राठ में करने का सोच रहे हैं, कुछ समय बाद राठ में करेंगे। हमारी योजना यह है कि हम सही लोगों को जिनको वास्तव में आवश्यकता है उन तक ये राशन पहुंचा सकें, तो इसलिए वो ढूंढ ढूंढ के उन तक प्रयास किया जा रहा है। आज भी कई महिलाएं ऐसी आई जिनका अपना कोई नहीं था, वो चलने में भी उनको मुश्किल थी और उन लोगों तक ये राशन पहुंचाया गया है। तो निश्चित रूप से एक थोड़ा सा हम फिर अपनी कंपनी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस तरफ सोचा। और विनय श्रीवास्तव जी का, जो हमारे एरिया इंचार्ज महोदय हैं, वो यहाँ तक आए। और आप सभी मीडिया प्रभारी के सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन में जनपद हमीरपुर के सरीला तहसील के रानी महल के प्रांगण में अन्नम डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी कंपनी के द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसमें हम अपनी कंपनी के मुनाफे से 1 रुपया निकालकर क्षेत्र के जो न्यूनतम गरीब से गरीब वर्ग जिन्हें एक टाइम की रोटी मुहाल है, उन्हें सहयोग करने के उद्देश्य से हम अपनी कंपनी के द्वारा इस चलाए गए कार्यक्रम के तहत 200 से अधिक अत्यंत गरीब निम्न वर्ग के लोगों को हमने अपनी कंपनी के तरफ से राशन बांटा है, जिसमें 2 किलो चावल, 2 किलो दाल, 5 किलो आटा, चाय, चीनी, साबुन इत्यादि रोज़मर्रा की ज़रूरत की सामग्री हम देते हैं। और इस महामारी के प्रकोप के समय में हम अपने मायसम परिवार के द्वारा चलाए जाए इस कार्यक्रम के द्वारा समस्त गरीब लोगों को सहायता प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं विनय श्रीवास्तव अपनी कंपनी का एरिया इंचार्ज सरीला में उपस्थित हुआ था। यह कार्यक्रम हमारे सेल्स प्रमोटर जो हमारे श्री रविंद्र गुप्ता जी हैं, इनके तत्वाधान में हमारे कोलीग जो है अक्षित बंसल है, इनके सहयोग से संपन्न हुआ है। आप मीडिया पर्सन, आप सभी महानुभावों का यहाँ पे उपस्थित होने पे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने पे मैं अपनी कंपनी की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। ये बुंदेलखंड में हम हर क्षेत्रों में निम्न स्तर पर जाके इसको चला रहे हैं और अभी कंपनी की परिकल्पना है कम से कम 3 महीने तक हम लगातार इस कार्यक्रम को गाँव गिराव में करते रहेंगे, जिससे कि असहाय लोगों को ये सहायता प्राप्त होती रहे, जो हमारी कंपनी का प्रयास है।